नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जानवी यादव। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन के साथ हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह का नाम आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। शनिवार का दिन सारा, श्रद्धा और दीपिका के लिए काफी मुश्किल रहा। शनिवार को तीनों से एनसीबी ने ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ की। वहीं अब ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, करिश्मा प्रकाश, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और जया शाह के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। भारत में कोरोना वायरस के रोजाना सामने आने वाले मामलों में गिरावट देखी जा रही है। भारत में दैनिक कोविड 19 मामलों का 7 दिन का औसत लगातार गिर रहा है। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक लगातार 9 दिनों से कोविड 19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बाद पहली बार मामलों में गिरावट देखी जा सकती है। भारत और जापान के बीच एक दूसरे के बेस एक्सेस करने का ऐतिहासिक समझौता होने के बाद पहली बार सैन्य अभ्यास हो रहा है। चीन के मंसूबों को समझते हुए भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में दूसरे देशों संग सहयोग बढ़ाया है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। उत्तरी अरब सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं ने 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की। हाल ही में एक ड्रग चैट से दीपिका पादुकोण को टारगेट करने वाली एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने दावा किया है कि उन्होंने आईपीएल मैच के बाद होने वाली पार्टियों में क्रिकेटर्स की पत्नियों को कोकीन लेते हुए देखा है। उनका ये बयान आते ही खलबली मच गई। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।